कोरोना वायरस को लेकर देश की आम जनता को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी में सबसे अहम समस्या है आर्थिक जरूरतों को पूरा करना। और इसी से संबंधित एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, देखिए क्या है पूरा मामला। मामला ओडिशा के नौपाड़ा का है, जहां एक महिला अपनी 120 साल की मां को अनोखे तरीके से बैंक ले जाते दिखी। दरअसल बैंक ने खाता धारक का फिजिकल वेरिफिकेशन मांगा था, इसलिए ये महिला अपनी 120 साल की मां को खाट समेत लेकर बैंक की तरफ निकल पड़ी। हैरानी की बात ये कि मां को खाट समेत खींचने वाली इस महिला की उम्र भी 70 साल है। ये महिला अपनी मां की पेंशन लेने के लिए बैंक गई थी। मामला 10 जून बुधवार को नौपाड़ा के बरागन गांव में सामने आया, जिसे 120 साल की महिला को खाट समेत खींचा गया। उनकी उम्र लाभी बघेल है। नौपाड़ा जिले के विधायक राजू ढोलकिया ने कहा, मैं इस मामले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच करे। मिले जानकारी के अनुसार 120 साल की मां ने अपनी 70 साल की बेटी गुंजा देवी को बैंक से 1500 रुपए निकालने के लिए भेजा था, लेकिन बैंक अधिकारी ने पैसे देने से मना कर दिया और खाता धारक का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए कहा। ऐसे में गुंजा देवी के पास अपनी मां को खाट समेत खींचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। हालांकि खाता धारक को देखकर बैंक ने पेंशन रिलीज कर दी। एक और लोकल विधायक अधिराज पाणीग्रही ने बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।